मायसेल्फ गिरधर अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए लेसन 4 का पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आज का बिंदु है जो लेसन 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, किस प्रकार से विपिन चौधरी की याददाश्त खो जाती है और उसे अन्य सारी घटनाओं के बारे में अच्छा याद है, लेकिन विशेष रूप से जो बताया गया है कि उसकी जो रांची ट्रिप के बारे में वो क्या है, भूल जाता है कि रांची कब गया था, उसके बारे में उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। अब आगे देखिए क्या होता है। पार्ट फर्स्ट में परिमल घोष ने उस रांची ट्रिप के बारे में बताया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। पार्ट सेकंड में कुछ फोन करके प्रयास किया पूछने का, उन्होंने पुष्टि की थी, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। अब पार्ट थर्ड में क्या होता है, देखिए। सबसे पहले वर्ड्स मीन्स रेपुटेशन मीन्स इज्जत, कॉन्सियसनेस कर्मठ, इंस्टेंस उदाहरण, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, बीट अबाउट द बुश बात को घुमाकर करना, थ्रो योर माइंड अपना दिमाग दौड़ाओ, अमेजमेंट मीन्स हैरानी, अनमिक्स क्लियरली प्योर शुद्ध, कंसर्न संबंधित, इनक्रीड्यूलस अविश्वासी, सिम्टम लक्षण डिस्पेरेटली दुस्साह, वर्थ मिस योग एपिसोड मिस घटना, प्रेस्क्राइब नुस्खा लिखना, ट्रांक्यूलाइजर नींद की दवा, डिस्पेरेटली निराश होकर, प्योकॉर्ड कुछ प्राप्त। ये इस पार्ट थर्ड के वर्ड्स मिलेंगे। अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझाता हूँ। तो ट्रांसलेशन को समझाने से पहले सभी विद्यार्थी अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन 4 उसका पार्ट थर्ड खोलकर अपने सामने रखें ताकि आपका अर्थ अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए, आफ्टर लंच टाइम के बाद विपिन बाबू रियलाइज दैट ही कुडंट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग एट डेस्क, कि वे अपनी टेबल पर बैठ नहीं सकता था एंड वर्किंग, और उसने अपने आप को काम करने में असमर्थ पाया। दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 years, 25 वर्ष में उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक 25 वर्ष की उम्र हो गई, 25 वर्ष काम करते, लेकिन उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। He had been with the firm 25 वर्ष से उस संस्था में था। He had a reputation for being a tireless conscious worker, अथक और कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उसकी बड़ी पहचान थी। But today his head was in a whirl, लेकिन आज उसका सिर चकरा रहा था। Back home at 2:30, वापस दिन के 2:30 बजे घर वापस आ गया। काम करना असंभव था। विपिन बाबू ले डाउन इन द बेड, बिस्तर पर लेट गए एंड ट्राइड टू गेदर हिज बेड्स टूगेदर, और उसने अपना आपको संभालने का प्रयास किया। ही न्यू, वे जानते थे दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वन मेमोरी, कि एक व्यक्ति की स्मृति का खोना उसके संभव था। थ्रू एन इंजरी ऑन इन द हेड, सिर में जो चोट के कारण एक व्यक्ति अपनी याददाश्त खो सकता था।
but he didn't know of a single instance of someone remembering everything. यानी कोई व्यक्ति उसे सब कुछ याद दिला रहा है लेकिन उसे केवल एक घटना का स्मरण नहीं है. Except one particular incident, एक विशेष घटना का वर्णन. And a fairly recent and significant one at that, जो fairly जो अभी कुछ वर्ष पहले घटना हुई थी और बहुत महत्वपूर्ण थी उसका वह विस्मरण हो चुका. He had always wanted to go to Ranchi. वे हमेशा रांची जाना चाहते थे. To have gone there, वहां जाने के लिए. Done things, वहां पर कार्य किया. And not to remember, was और कुछ भी याद नहीं था. Something utterly impossible, यह थोड़ा असंभव था. तो सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना को मैं कैसे भूल सकता हूं, कैसे मेरे दिमाग से वो विस्मृत हो गया. 8:30 लगभग 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट केम. बिपिन बाबू का नौकर आया एंड अनाउंस्ड और उसने आकर कहा चुन्नी बाबू सर, चुन्नी बाबू आए हैं. Said it is very important, और वह कहता है कि समय मिलना बहुत आवश्यक है. अब बिपिन बाबू न्यू, जानते थे बिपिन बाबू न्यू वाट चुन्नी हैड कम फॉर. जानता था कि चुन्नी लाल वहां पर किसके लिए आया था. कम फॉर वो किसके लिए आया था. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. स्कूल में वो उसके साथ में रहता था, उसके साथ में पढ़ता था. ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली. उसका समय इस समय खराब चल रहा था. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम और उससे मिलने आया अबाउट ए जॉब. एक जॉब के बारे में बात करने के लिए उससे मिलने के लिए वहां पर आया हुआ था. बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. उसके लिए कुछ भी कार्य करना संभव नहीं था. इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू एनीथिंग. उसे कुछ भी काम करना संभव नहीं था. यानी वह चुन्नी लाल के लिए कुछ भी कर नहीं कर सकता था. In fact, told him so, और उसको तो बता भी दिया. But चुन्नी kept turning up like a bad penny. लेकिन एक bad penny की तरह वो क्या उसके बहुत आ जाता था. जबकि उसे नहीं आना चाहिए था. तो turning up like a bad penny, इसका मतलब है उस स्थान पर आता था जहां पर उसका स्वागत नहीं होता था. यानी बिना बुलाए आ जाता था, कोई ध्यान नहीं देते उस पर. बिपिन बाबू सेंड वर्ड. बिपिन बाबू ने कहलाकर भेज दिया दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ, कि उसके लिए न केवल अभी मिलना असंभव था बल्कि कई सप्ताह तक. उसने कह दिया कि चुन्नी लाल से मिलना अभी नहीं बल्कि कई सप्ताह तक संभव नहीं होगा. कह दो जा नहीं मिल सकता. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला, इट स्ट्रक बिपिन बाबू. बिपिन बाबू के दिमाग में आया देन चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रेन. कि हो सकता है चुन्नी को 1958 की इस यात्रा के बारे में निश्चित रूप से मालूम होगा. हो सकता है इसको कुछ मालूम हो. देयर वाज नो हार्म इन आस्किंग हिम. भाई उसे इसके बारे में
कोई नुकसान नहीं है, क्या जाता है इसके बारे में हम पूछ लेते हैं। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, तो बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया। एंड इनटू द लिविंग रूम, और वह अपने बैठक कक्ष में आया। तुरंत कमरे से आ गया, तो हो सकता है चुन्नी लाल को इस यात्रा के बारे में मालूम हो, तो चलो उससे पूछ लेते। चुन्नी वाज अबाउट टू लीव, लगभग वह उससे वह जाने वाला था। बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, ने जब उसने बिपिन बाबू को सीढ़ियों से आते हुए देखा, तो ही टर्न राउंड होपफुली, वह आशा करते हुए चारों तरफ मुड़ गया कि चलो आशा करते हुए, उम्मीद बंधी या कुछ कहेगा, तो वो मुड़ गया। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, बिपिन बाबू ने इस बात को घुमा फिरा कर नहीं कहा, सीधा सीधा स्पष्ट बोल दिया। आते ही लिसन चुन्नी, चुन्नी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारी बहुत अच्छी याद है, तुम्हारी याददाश्त क्या बहुत अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से तुम मेरी क्या सहायता भी कर रहे हो, जब भी काम पड़ता है तो तुम मेरी सहायता भी करते हो, मिलते भी रहते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक, जरा अपने दिमाग को पीछे दौड़ाओ, पीछे की ओर दिमाग दौड़ाओ। एंड टेल मी, और मुझको ये बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में क्या मैं रांची गया था? थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा सा बताओ 1958 में मैं रांची गया था। चुन्नी से 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वाज 59, ये 58 या 59 होना चाहिए, या तो 58 की बात है या फिर 59 की, उसने इस बात को कहा। अब देखिए वो क्या कहते हैं, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, तुम्हें विश्वास है कि मैं रांची गया था? चुन्नी लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी ने जिस अचंभे से देखा तो उसमें चिंता के साथ कोई मिसियल ये चिंतित होके देखा। डी यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ शंका है, इसका मतलब तुम्हें इसके बारे में कुछ कंफ्यूज हो रहे, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ तुम वहां पर गए। डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम्हें साफ साफ याद है कि मैं वास्तव में रांची गया था? इस बात को सुनकर चुन्नीलाल जो थे सेट डाउन ऑन द सोफा, सोफे पर बैठ गए। फिक्स बिपिन बाबू विद ए लॉन्ग, लंबे समय तक बिपिन बाबू को देखते रहे। हेयर हार्ड स्केयर एंड सेड, घूरने लगे और तब कहा, काफी देर फिर कहा, बिपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुमने कोई नशा तो नहीं कर रखा है या कुछ और चीज ले ली हो? एज हार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं यू हैड क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा स्पष्ट रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहां पर ऐसी चीजें होती है तो इन चीजों के बारे में तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल सही है। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, कि तुम्हारे लिए
पुरानी मित्रता का कोई महत्व नहीं है, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी कि तुम्हारी याद भी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम रांची ट्रिप के बारे में पूरी तरह से भूल चुके हो, तुम्हारी याद भी अच्छी है फिर भी तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी इनक्रीडियस स्टेयर। चुन्नी जिस तरह से उसको देख रहा था, बिपिन बाबू ने अपने आप को उससे अलग किया। अब चुन्नीलाल पूछ रहे, डू यू रिमेंबर व्हाट माय लास्ट जॉब वाज। तुम्हें याद है मेरी अंतिम नौकरी क्या थी? चुन्नीलाल ने पूछा, बताओ अंतिम नौकरी क्या थी मेरी, क्या करता था? ऑफ कोर्स यू वर्क इन ए ट्रेवल एजेंसी। मुझे याद है तुम ट्रेवल एजेंसी यातायात में काम करते थे, ट्रेवल एजेंसी में तुम काम करते, बता दिया। तो यू रिमेंबर दैट, यू डोंट रिमेंबर, तुम्हें वे तो याद है, एंड यू डोंट रिमेंबर, और तुम्हें ये याद नहीं रहा, दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। ये मैं वो व्यक्ति मैं ही था जिसने तुम्हारी रांची ट्रिप के लिए रेलवे टिकट बुक करवाई थी। रेलवे का टिकट बुक कराया था, मैंने कराया था तुम्हारा टिकट बुक। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, तुम्हें छोड़ने के लिए मैं रेलवे स्टेशन भी तुम्हारे साथ साथ गया था। वन ऑफ द फ्रेंड्स इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग। और याद करो जिस रेल के डिब्बे में तुम बैठे थे उसमें एक पंखा वो काम नहीं कर रहा था। कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और उसको सुधारने के लिए मैंने बिजली जो मैकेनिक होता उसको इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया था उस समय। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? व्हाट एवर इज द मैटर विद यू, क्या मामला है, क्या मामला है तुम्हारे साथ? यू डोंट लुक टू वेल, मुझे लग रहा है तुम ठीक स्वस्थ नहीं हो, कहेंगे बीमारी है। बिपिन बाबू साइड गहरी सांस ली, अपनी गर्दन हिलाई, हाँ बिल्कुल याद है। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन कार्य कर रहा हूं। दैट मस्ट बी द रीजन, यही कारण रहा होगा कि मैं इस चीज को भूल गया। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, तुम्हें एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तुम बीमार लग रहे हो तो डॉक्टर से संपर्क करो। डाउटलेस इट वाज बिपिन कंडीशन, ये बिपिन की जो कंडीशन थी वास्तव में निसंदेह थी। विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब, जिसके कारण चुन्नीलाल ने उसके घर को छोड़ा और जॉब के बारे में बिल्कुल भी वार्तालाप नहीं किया। सोचा इसकी मेंटल कंडीशन खराब है, इस समय जॉब के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है, वहां से चले। परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, एक फिजिशियन वैद्य थे, विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आईज एंड शार्प नोज, अच्छी आंख और तेज नाक थी। ही बिकेम थॉटफुल, वो विचारमग्न हो गए। कौन? परेश चंदा विचारमग्न हो गए। वेन ही हियर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिस्टम सिम्टम होता लक्षण, जब उसने बिपिन बाबू के लक्षणों के बारे में सुना तो वे बिल्कुल
चुप हो गए। क्या कहे? लुक, डॉक्टर चंदा सेठ विपिन बाबू डिस्प्रेटली, विपिन बाबू ने कहा, विपिन बाबू से कहा डॉक्टर चंदा ने, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, कि तुम्हें इस भयानक बीमारी से मुझे अवश्य चिकित्सा करना पड़ेगा। आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, आई कांट टेल यू हाउ इट इज अफेक्टिंग माई वर्क, देखो ये मेरे काम को कितना प्रभावित कर रहा है, कि तुम मुझे इस बीमारी से अवश्य ठीक करोगे, क्यों ये बीमारी मुझे बहुत प्रभावित कर रही है, इसलिए आप ठीक करें। डॉक्टर चंदा शॉक इज है, डॉक्टर चंदा ने गर्दन लाई, हाँ मैं आपका उपचार जरूर करूंगा। यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी, उसने कहा तुम जानते हो, आई हैव नेवर हैड टू डील विद सच ए केस, तुम्हारे जैसा केस कभी मैंने डील नहीं किया, ऐसा केस आज तक मेरे सामने नहीं आया। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और यह वास्तव में मेरे अनुभव क्षेत्र से बाहर है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव क्षेत्र से बाहर है। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक सुझाव अवश्य दूंगा। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, अब मुझे पता नहीं ये वास्तव में काम करेगा या नहीं, बट इट इज वर्थ ए ट्राई, ने कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। इट कैन डू नो हार्म, इससे नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंग्जियसली, चिंतित होते हुए आगे की ओर झुके। कौन सा सुझाव? एज फॉर एज आई कैन मेक आउट, जहां तक मेरे विचार है मैं कर सकता हूं, डॉक्टर चंदा ने कहा। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, तुम्हारा भी वास्तव में यही विचार होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें एक बार रांची जाना चाहिए सर, दोबारा रांची जाकर आओ। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन कुछ अनजान कारणों से द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप, जो वहां की घटनाएं जो तुम्हारे दिमाग से निकल गई, कुछ घटनाएं वो तुम्हारे दिमाग से क्या निकल गई, तुम भूल गए। व्हाट आई सजेस्ट, जो मैं सुझाव देता हूं, इज दैट कि यू गो टू रांची बन सके, कि तुम्हें एक बार पुनः रांची जाना चाहिए, एक बार और जाओ। द साइड ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, उन स्थानों का दृश्य तुम्हें पिछली यात्रा के बारे में याद दिला सकता है, जब वहां दोबारा देखोगे तो तुम्हें याद आ सकता है कि मैं पहली बार था। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव भी नहीं है। मोर देन दैट आई कैन डू, जितना मैं ऐसा कर सकता हूं एट दैट मोमेंट। आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक एंड ट्राइंगुलर, मैं इस समय आपको स्नायु तंत्र से संबंधित दवाई और कुछ नींद की गोलियां देता हूं। अभी तो गोलियां ले जाओ, कुछ तो स्नायु तंत्र की और कुछ नींद की गोली। स्लीप इज एसेंशियल, नींद लेना भी बहुत आवश्यक है। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, अन्यथा लक्षण और भयंकर हो जाएंगे, इसलिए ये टॉनिक लो और जाकर सो जाओ। विपिन बाबू लेफ्ट समवाइट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन विपिन बाबू ने फिर कुछ अच्छा महसूस किया। आफ्टर ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद ही रेंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में टेलीफोन किया।
gave some instruction, कुछ निर्देश दिए, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. उसी दिन शाम को उसने रांची के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट बुक करवाया. तो उसने सोचा कि डॉक्टर का विचार गलत नहीं है, मुझे रांची जाकर ही देखना चाहिए. यहाँ पर हमारा पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है. पार्ट फोर की अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूँ. लेकिन आपसे फिर कह रहा हूँ, जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो के पसंद आने पर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें. धन्यवाद.